ये पूरा सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया है, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे कस्टमर आते हैं और अपना अपना सिस्टम रेडी करते हैं और यहाँ पे पूरा कस्टमाइज भी करते हैं। मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा। एंड इसका जो प्राइसिंग वगैरह आपको जानना हो तो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप इनसे पूरी डिटेल ले सकते हो। अगर आप वजन का काम करते हो, अगर आप ऐसे छोटी मोटी पार्टीज़ में डीजे मैन की तरह जाते हो तो यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाता है। अभी मैं आपको और बहुत सारी वैरायटी दिखाता हूँ इस ब्लॉग। व्यूअर्स को थोड़ा बताएंगे कि आप क्या क्या कस्टमाइज़ करते हो और क्या क्या अपनी शॉप पे मिल जाएगा। जैसे कि नवरात्रि आती है, गणपति आता है, डीजे के साउंड जो चल रहे हैं उसमें हम लोग हमारे हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं पूरा साउंड, जिसमें अलग अलग वॉट्स के, अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग स्पीकर्स है, अलग अलग पावर एम्प्स है, काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ है। जैसे कराओके आपको यूज़ करना हो, कराओके के लिए भी अलग अलग सिस्टम दी हुई है। okay. जैसे ट्रॉली है, बैटरी से यूज़ कर सकते हो आप, जिसमें डबल कोर्डलेस माइक आते हैं, अलग अलग वेराइटी। तो बेसिकली जो डीजे कस्टमाइज़ करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ट्रक में डीजे होते हैं, और जो अपने सोसाइटी में जो अगर प्रोग्राम करते हैं, जो दो स्पीकर वाला और जो पूरा कस्टमाइज होता है, तो वो पूरा खुद कस्टमाइज करते हैं। हम लोग खुद कस्टमाइज करते हैं और पूरी टेक्निकल बेसिस पे। अच्छा। हम लोग ऐसे ही नहीं देते थे किसी भी कस्टमर को, हम लोग पहले पूरा टेक्निकली उसको समझाते हैं कि भाई ये चीज़ें होती है, इसको यही चीज़ इसमें चलेगी। ओके। उसके हिसाब से हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं पूरा। सही है। देखो ये जैसे है हमारा SP200। ओके। इसमें अलग अलग टाइप के बॉक्स की वेराइटी है, प्लाई भी अलग अलग आती है, ये जाली भी अलग अलग गेज की बनती है, इसमें एलेंकी से फिटिंग भी होती है और सिंपल स्क्रू से फिटिंग होती है। तो ये जो पूरा स्पीकर है ये पूरा कस्टमाइज आप करते हो? हाँ, ये हम पूरा कस्टमाइज करते हैं। क्या बात। जैसे ये बॉक्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है इसके फ्लाई के हिसाब से। जैसे आपको अलग अलग स्पीकर्स है, जैसे कोई स्पीकर में अलग बॉक्स चलता है, आपको हैवी साउंड करना है तो उसके लिए बॉक्स भी आपको हैवी लेना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से पूरा उसको बताते हो कस्टमर को? कस्टमर को हम लोग समझाते हैं कि ये चीज़ इसमें ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। बेसिकली अगर अच्छा कोई न्यू डीजे का काम स्टार्ट कर रहा है, हाँ, तो उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। एंड इसमें ऑप्शन काफ़ी सारा आते होंगे ना, ये सब जो दिख रहे हैं JBL मॉडल है। ओके। ये इसमें JBL मॉडल में ये जाली। ओके। ये स्क्वायर बॉडी मार। ओके। तो अलग अलग आता है? अलग अलग आती है और भी वेराइटी है, वो आप आओ आपको दिखाते हैं। ये इससे बड़ा साइज पड़ा है, ये क्या है भाविक सर? ऑन लोडेड लाइनर है बोलते हैं। इसमें आपको डबल HF के साथ आती है, ड्यूल HF और ऑन लोडेड आपको दिखाते हैं। ये इसका फ्रंट लुक है। ओके। ये पूरा ऐसा इस तरह से आता है। इसमें देखो अंदर एक ऑन लोडेड स्पीकर दिया हुआ है। ओके। तो वो जैसे ये कस्टमाइज हो रहा है। ओके। ये कुछ बना रहे हैं। हाँ, क्या बात है। ये कस्टमाइज होने में सर कितना टाइम लगता है? कम से कम एक वीक चल जाए। एक मतलब पूरा डीजे कस्टमाइज, पूरा डीजे कस्टमाइज करना हो अगर आपके बॉक्स के हिसाब से। ओके। तो उसके लिए वन वीक पूरा जाएगा। ओके। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कस्टमाइज हो रहा है। पर गाइज मैं आपको है ना इसके बाद एक और छोटा वीडियो दिखाऊंगा, उसमें ये एक कस्टमर को कस्टमाइज करके पूरा लोड करके देंगे। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आएगा, वो भी देखना। फिलहाल यहाँ पे भैया कस्टमाइज कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल भाई, तो ये पूरा आप सेटिंग कर देते हो स्पीकर को? और ये जैसे अभी होता है ना जो बहुत वॉल्यूम फुल हो जाता है तो फटता है, तो उसमें ऐसा कुछ लगाया जाता है? कुछ ऐसा होता है कुछ ऐसा? नहीं, उसके लिए फटना नहीं, उसके लिए सर्किट लगाई जाती है। ओके। ये सर्किट से हो जाता है सेटिंग? आउटपुट सेटिंग हो जाता है। ओके। क्या बात है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो लाइव कस्टमाइज देख रहे हो। बाकी आपने वीडियो में कभी ऐसा नहीं देखा होगा, यहाँ पे लाइव कस्टमाइज हो रहा है। एंड ये पूरा कस्टमाइज होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाद एक वीडियो आएगा, उसमें आपको दिखाऊंगा। फिलहाल भाविक सर अभी हमारे व्यूअर्स को कुछ और दिखाते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि जैसे फटता है, बस वही हम लोग टेक्निकली यूज़ करके उसको वो करते हैं, मतलब इसी के हिसाब से हम लोग कस्टमर को साउंड देते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो। क्या बात। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कुछ सैंपल्स निकाले हुए हैं। अब ये इनका फर्स्ट फ्लोर है। एंड यहाँ पे देख सकते हो जितनी भी वैरायटी होती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वायरिंग, केबल, माइक, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, और वो भी होलसेल की प्राइस में। इनके जैसी प्राइस आपको अहमदाबाद में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप गाइस डीजे का काम करते हो तो मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा कि ये सब क्या होता है, इसका जो चीज़ें जो होती है इसके अंदर, जो भी वैरायटी होती है वो क्या चीज़ होती है। तो अभी पूरी डिटेल दूंगा आपको, भाविक सर देंगे। तो भाविक सर थोड़ा बताएंगे ये सब मतलब क्या, मतलब किस, इसकी डिटेल देंगे थोड़ा इसके बारे में? ये 15 इंच के स्पीकर्स है। ओके। जो टॉप में लगते हैं, तो ये बेसिकली वही है जो इसके अंदर अंदर जाता है। ये जैसे ये बड़े बॉक्स है, ये डबल 15 का बॉक्स होता
ओके, डबल 15 डबल 15 ओके, इसमें 15-15 इंच के दो स्पीकर लगते हैं। ओके, तो 15 इंच का कौन सा होता है इसमें? ये सब 15 इंच के स्पीकर। ओके, ये सब 15 इंच के स्पीकर। तो ये अलग अलग कंपनी में आते हैं, अलग अलग वॉट्स में आते हैं। तो आप किस किस कंपनी के साथ काम करते हो? मैं आहूजा में काम करता हूँ, स्टूडियो मास्टर का काम करता हूँ, ए प्लस का काम करता हूँ और मेन डीलर एमप्रो का। एमप्रो, एमप्रो तो एमप्रो का तो अभी मैंने काफी मार्केट में नाम सुना है, उनके जो वॉइस होता है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है ना। यस, वही। क्या बात है, मतलब ये वही रहता है। और ये जो यहाँ पे हमने अभी JBL देखा था, तो ये जो JBL है सर, मार्केट में ऐसा बहुत सारा व्यूमर होता है, जैसे JBL और कोई भी ब्रांड होती है वो फर्स्ट कॉपी और डुप्लीकेट होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, हमारा मेन फोकस ही वो है। जैसे यहाँ पे कस्टमर, यहाँ पे ये रोड है ना, जैसे रिलीफ रोड, यहाँ पे 99% सबके पास डी डुप्लीकेट बोलते हैं, जैसे वो फर्स्ट कॉपी बोल रहे हैं। ओके, फर्स्ट कॉपी। हमारा रूल अलग है, हम प्योर ओरिजिनल चीज ही देते हैं कस्टमर को, जिस और वो भी GST बिल के साथ। तो इसमें वारंटी वारंटी मिल जाती है सब में, स्पीकर्स में भी, पावर एम में, एम्पलीफायर में, सारी चीज में आपको वारंटी भी मिलेगी और बिल भी मिलेगा। क्या बात, जिससे आप बता सकोगे ये ओरिजिनल पीस है। ओके, सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि सर ने बताया कि ये पूरा अंदर का पार्ट है, जैसे इसके अंदर जाता है। अब जैसे कि गाइज मैं तो आप लोगों के लिए एक व्लॉग क्रिएट कर रहा हूँ, बट अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा इनके पास कौन सी कंपनियों के वैरायटी अवेलेबल है। एंड वहाँ पे सर क्या देख रहे हैं हम लोग, वो सब क्या है? बेस बोल रहे हैं। ओके, इसमें 18 इंच में आते हैं और 21 इंच में आते हैं। ओके, तो जो अंदर स्पीकर में एक बेस होता है और एक छोटा स्पीकर, हाँ, टी बेस, ये टी बॉक्स है। ओके, इसमें आपको एक 18 इंच का स्पीकर लगता है, इसमें भी अलग अलग वैरायटी है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, जैसे ये 18 इंच के स्पीकर्स है, आप पहले स्पीकर्स। क्या बात है गाइज, यहाँ पे देख सकते हो, और ये काफी ज्यादा हैवी है, और इसकी क्वालिटी जैसे कि सर ने बताया कि ये ओरिजिनल रहता है हर चीज। ये एमप्रो का 1845 मॉडल नंबर है, इसमें आपको 4.5 इंच की वॉइस कॉइल मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है गाइज, आपको मैं वॉइस सुना के भी दिखाऊं। ओके, ये आहूजा कंपनी का FMX 106 DP है, ये 6 चैनल का मिक्सर है। इसमें भी अलग अलग टाइप के और भी मिक्सर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको डीजे प्लस लाइव में आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली जो डीजे चलता है उसमें ज्यादातर यूज होता है, और जो रेडियो वीडियो में भी चलता है वही यही होते हैं मिक्सर्स। ओके, तो इसमें अपने पास कौन सी ब्रांड के साथ होता है वैरायटी? हमारे पास आहूजा का है, न्यूमार्क कंपनी का है, डायनाटेक का है, और आपको चाहिए जैसे आपको कोई साउंड क्राफ्ट का मिक्सर चाहिए लाइव के यूज के लिए, लाइव प्रोग्राम के यूज के लिए, वो भी अवेलेबल है। तो बेसिकली कस्टमर आपसे ये भी कर सकता है कि जैसे स्पीकर कोई कंपनी का लिया और ये कंपनी का लिया, तो उस हिसाब से आप पूरा सेटअप करके देते हो। ओके, मैं आपको अभी इन्फॉर्मेशन दी, देखो मेरा काम है आप लोगों के लिए एक ब्लॉग क्रिएट करना, आपको एक बेस्ट शॉप दिखाना, जैसे कि मैंने आज आपको दिखा रहा हूँ। वैसे इस शॉप का एक दूसरा नाम भी है, जैसे कि सर ने बताया, MD इंटरप्राइज। तो पूरी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर तो स्क्रीन पर आप देख ही रहे हो। ये वीडियो लंबी करने का रीज़न ये है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, और डिटेल देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। आप अगर आप ये सब काम करते हो गाइस, तो आपको ये सब पता चल गया होगा कि इनके पास कौन सी ब्रांड अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो डीजे का, पूरी जानकारी आपको इस शॉप पे आपको आके मिल जाएगी। मैंने अभी आपको मैंने स्पीकर दिखाया, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी कंपनियों के साथ ये डील करते हैं। एंड यहाँ पे JBL भी आपको मिल जाएगा, वो भी ओरिजिनल, जैसे कि सर ने बताया, विथ वारंटी, विथ गारंटी। इसके अलावा गाइज अगर आपके स्पीकर कुछ भी हो जाता है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, सर्विस ले सकते हो। प्रॉपर आपको हर चीज़ आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो ऑल एक्सेसरीज इनके पास अवेलेबल है। एंड यहाँ पे अभी सर ने निकाला है मिक्सर, जिसको बोलते हैं, अभी ये डीजे वालों को ज़्यादा पता होगा सर, वैसे इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर, ये कितने रुपए से स्टार्ट होते हैं और कौन सी ब्रांड के हैं? ये न्यूमार्क कंपनी का मिक्सर है, ये स्पेशली डीजे के लिए यूज होता है। Okay. ये और ये डायनाटेक का है, DDJ6EB। ओके, EB मींस ये एक्स्ट्रा बेस और एक्स्ट्रा ट्रबल, इसमें आपको अलग से मिलेगा। क्या बात है, मतलब ये जो प्रोफेशनल्स होंगे उनको ही पता होगा ना, उनको पता होगा गाइज। ये अगर डीजे का काम करते हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस शॉप के बारे में, बिकॉज यहाँ पे आपको कंपनी तो मिलती, यहाँ पे आपको ब्रांड तो मिलती है, क्वालिटी भी मिलती है, और सबसे मेन जैसा इसके सर ने बताया, सर्विस भी मिलती है, सर्विस भी मिलती है। एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइज, इसके अलावा इनके पास काफ़ी कुछ है, बट मैंने आपको ये दो जो ऑफिशियल इनकी ब्रांड है मैंने वो दिखाई। एंड ये क्या है सर, थोड़ा बताएंगे ये सब क्या है? क्रॉस ओवर है। ओके, ये ज़्यादातर यूज़ होता है बेस के लिए। ओके, ये क्रॉस ओवर है और ये प्रोसेसर है। तो ये जो डीजे वाले होते हैं, मतलब उनको ये तीनों चीज लेनी पड़ती है, जैसे ये और ये और ये। हाँ, तीनों चीज लेनी, तीनों लेना पड़ता है तीनों, और इसके अलावा एक चीज और लेनी पड़ेगी, वो पावर है। क्या बात है, मतलब ये पूरा जो प्रोसेस होता है डीजे का बनाने का और डीजे का काम करने का, तो ये पूरा कितने बजट में हो जाता है सर?
ये मिनिमम आपको समझो दो बेस दो टॉप लेने हो अच्छी क्वालिटी में तो वो कम से कम 1.5 लाख से स्टार्टिंग रेट है। ओके कस्टमाइज करने के बाद मतलब कस्टमाइज होने के बाद। एंड इसके अलावा जैसे आपने बताया कि कम से कम किसी को कस्टमाइज करवा और भी कम हो सकता है पर उसमें वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्या बात, उससे अच्छा मत लो वो सही है। भाई अगर आप डीजे का काम कर रहे हो प्राइस को मत देखो क्वालिटी देखो, जैसे कि मेरे सर ने बताया इनके पास आपको हर चीज़ में क्वालिटी मिल जाती है। भाई देखो एक ऐसा एक शॉप है जहाँ पे आपको म्यूज़िक के रिलेटेड सब कुछ आपको मिल जाता है। डीजे में जो भी छोटी मोटी चीज़ें यूज़ होती है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे माइक रखा हुआ है, बहुत सारी वैरायटी है जैसे कि मैंने आपको बताया। इनका जो पूरा एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा सर बता रहे थे कि आपका एक इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे आप पूरा एक्टिव रहते हो, सब कुछ वैरायटी रखते रहते हो। हाँ, वो अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, वो भी आपको मैं कोड भी स्कैन कर। एंड मान लीजिए सर कोई अहमदाबाद से नहीं है, कोई बाहर से है, तो आपसे अगर कोई ऑर्डर करवाता है तो पार्सल वगैरह की सिस्टम है यहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है वो भी सेफ्टी के साथ। क्या बात है। यहाँ पे देखो यहाँ पे सब एम्पलीफायर में इनके पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो बड़े छोटे और अलग अलग कंपनियों के वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो गाइस सबसे बड़ा स्पीकर यहाँ पे रखा हुआ है। एक्चुअली हम लोग जहाँ पे है ना ये इनका वर्कशॉप है, मतलब गोडाउन जैसा है, बट काफ़ी ज़्यादा स्टॉक यहाँ पे रहता है। और मैं आपको बताऊँ गाइस इनके पास जो स्टॉक रहता है वो अहमदाबाद में कोई भी इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं रखता। हर टाइप के स्पीकर, हर टाइप के आपको वैरायटी और हर कंपनी का आपको जो भी इनके पास एम्पलीफायर है सब कुछ आपको मिल जाता है। तो अभी बात करते हैं, भाविक सर यहाँ पे आ गए हैं। भाविक सर थोड़ा बताएंगे ये एम्पलीफायर कौन सी ब्रांड है और कितने रुपये से स्टार्ट होते हैं? ये अलग अलग कंपनी के ब्रांड्स हैं, जैसे ये क्राउन है जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारे लिए, जो नवरात्रि में और गणेश में, गणेश चतुर्थी आती है उसमें ये सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो ये एक ऐसा भी आता है जो जिसको पूरा डीजे नहीं लेना हो, जैसे दो स्पीकर और एम्पलीफायर लेना हो, तो वो कितने रुपए से स्टार्ट होता है अपने पास? वो कम से कम आपको अच्छी क्वालिटी में लेने जाओगे तो 60-70 हज़ार के स्टार्टिंग रेट। क्या बात है। और अगर देसी में लेंगे तो? और सस्ता करना हो आपको तो भी हो सकता है पर उसमें वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। अच्छा क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा प्राइस नॉर्मल चाहिए तो 40-50 में भी आपका पूरा दो टॉप एम्पलीफायर मिक्सर सब आ जाएगा। ओके गाइज ये जानकारी है गाइज, अगर आपको चाहिए ज़्यादा तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा उससे आप ले सकते हो। तो ये इसमें फ़र्क क्या रहता है, जैसे इतनी सारी वैरायटी तो क्या फ़र्क रहता है? ये जैसे 1500 वाट का है ओके पावर है, ये 2500 वाट का है ओके, ये क्राउन कंपनी का है, जैसे ये एललैब का है ओके, इसमें X5 है X7 है ओके, जो इसका ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ओके। ये सारी चीज़ें तो डीजे वालों एम्पलीफायर जो चलाते हैं उनको पता होगा। ये MJ सीरीज है ओके, MJ जो एम प्रो का आता है। इसमें प्लस पॉइंट ये है इसमें तोशीबा के ट्रांजिस्टर आते हैं। क्या बात है। और इसमें शॉर्ट सर्किट प्रूफ है, शॉर्ट प्रोटेक्शन, जो शॉर्ट सर्किट होता है बड़े बड़े स्पीकर चलाते हैं वो नहीं होता, प्रोटेक्शन है। इसमें आपको 1000 वाट 2000 वाट 3000 वाट 4000 वाट 5000 वाट क्या पूरी सीरीज आपको मिलेगी ओके। ये बाहर से दिखने में सेम ही है बट ये वाट के हिसाब से अलग अलग किया, अलग अलग है ये स्पेशली टॉप, मतलब ये 5000 वाट तक का स्पीकर इसमें चला सकते हैं? 5000 इसकी कैपेसिटी है। ओके कैपेसिटी। इसमें आपको अलग अलग ओम्स पे अलग अलग, वो आपको टेक्निकली आपको मैं बता सकता हूँ पर वो जब आप कस्टमर रूबरू आएगा तो ही मैं बता पाऊंगा। ओके ओके। एंड ये वाला जो है ये NX ऑडियो का है okay. जैसे ये NX ऑडियो का है, ये XT3000। क्या बात है। ये H क्लास का पावर है माता है, ठीक है। और ये RX 4000 है ओके okay. ये आप कोई भी डीजे वाला होगा या लाइव वाला होगा उसके उसको इसके बारे में मालूम ही होगा ओके okay. तो मतलब इसमें जो जितनी भी आपने वैरायटी दिखाई इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो सब यूज़ करे और सबको चले वैसा कौन सा होता है? ये सब रेगुलर ही है, जैसे ये क्राउन का है 2500 वाट तक, ये MJ सीरीज है ये 3000 वाट तक, सोसाइटी में जो यूज होता है okay. नवरात्रि गणपति में ये RX 4000 तक ओके okay. फिर अगर आपको हैवी करना हो और तो ये है MT 1601। क्या बात है। यहाँ पे इसका कॉपी बहुत होता है, आप ये कोई भी डीलर से ही परचेस कीजिए क्योंकि इसमें क्या है इधर डुप्लीकेट बहुत हो रहा है। ओके okay. तो इसमें भी गारंटी वारंटी सब दे देते हैं ना? 1 साल की वारंटी आएगी। और ये है ज़ाइपर ओके ज़ाइपर Z6, इसमें Z7 आता है, Z8 आता है, Z10 आता है। वो ये अंदर कवर के अंदर है, ये कवर भी आप ही देते हैं? हाँ ये कंपनी का है, कंपनी इसको साथ में ही देती है, पावर एम के साथ ही है। अच्छा ये कवर प्रोटेक्शन कवर इसके साथ ही आता है। और ये है लास्ट में एम प्रो का एटोम 26000। क्या बात है। ये सबसे हैवी पावर एम है, इसमें आप 1500 के 8 बेस एक ही पावर एम पे चला सकते हैं। क्या बात है, 1500 के 8 स्पीकर चला सकते हैं सिर्फ इस पे, और वो भी फटेगा नहीं वॉइस, फटेगा नहीं, शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा इसमें। क्या भी 1 साल की वारंटी। क्या बात है गाइस, ऐसी ऐसी कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देखो मेरा काम था आपको मैं बेस्ट से बेस्ट शॉप दिखाऊं जो मैंने आपको दिखाई, और इस शॉप में काफ़ी कुछ है आपको दिखाने के लिए, बट इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगा बिकॉज इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। अगर आप जैसे कि भाविक सर ने बोला कि अगर आप यहाँ पे आएंगे
तो आपको सब कुछ बता देंगे, एंड अगर आपको एडवाइस चाहिए तो भी आपको दे देंगे। पूरा डीजे बना रहे हो या एम्पलीफायर ले रहे हो, सोसाइटी के लिए ले रहे हो, स्कूल के लिए ले रहे हो, तो भी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सामान डीजे का, स्पीकर्स का, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपके स्पीकर्स में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम है, तो सर्विस भी यहाँ पे हो जाती है। ये पूरा सिस्टम लिया है ये भाई साहब ने। तो भाई साहब कहाँ से आते हो आप? मैं आता हूँ धोरका से। धोरका? यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ से 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। तो आपको आपकी मनपसंद चीज़ मिल गई? बहुत अच्छी मिली। मतलब क्या क्या आपने लिया थोड़ा बताएंगे? मतलब मैंने एक ये लिया है मिक्सर। ओके। और एक स्टेबिलाइजर लिया है। स्पीकर कितने लिए? स्पीकर 4 स्पीकर लिए। 4 स्पीकर लिए। तो आपका काम इसमें हो जाएगा? हो जाएगा। तो मतलब आपका भजन कीर्तन का काम है? हाँ, भजन कीर्तन। माता जी का जो चौकी रखवाते हैं, तो उसमें जो डीजे चाहिए होता है, उसका आपका काम है? ये मेरा काम है।